नमस्कार, यूपी 32 न्यूज में आपका स्वागत है। फिर से आज के मुख्य समाचार। अध्यक्ष जी, आज आप यहाँ पर बैठक कर रहे हैं, सम्मेलन बैठक कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? हमारे पार्टी का पहला जो है सम्मेलन, मैं अपने सभी पदाधिकारियों की हाथों से और उनसे ये अनुरोध करता हूँ, हमारी पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जो चुनाव लड़ रही है, इसीलिए सम्मेलन की तैयारी की गई है, क्योंकि सारे पदाधिकारियों को एक यहाँ से जो है सबसे अनुरोध किया जा रहा है, आह्वान करके बुला के कि अपनी लोकसभा की तैयारी चालू करें और कार्यकर्ताओं को। आपके कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे कार्यक्रम का कार्यकर्ता सम्मेलन जो है इसलिए रखा गया है कि हमारी पार्टी ने अब तक जो वर्क किए हैं समाज में, उसी को विस्तार करने के लिए, जानने के लिए जो है कार्यकर्ता सम्मेलन। खड़ी हुई है उसको पूरा करने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, और किसान और मजदूर जो आज जहाँ थे वहीं पे खड़े हुए, उनका कभी कुछ नहीं, किसी भी पार्टी ने नहीं, और इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि बस हमको किसान और मजदूरों के लिए करना है, और प्रण ले के करना है कि हाँ, हम कभी हटेंगे नहीं अपने बातों से। महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष होने के नाते आप महिला किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? महिला किसान बराबर ही मेहनत करती है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। खेतों में आपने देखा होगा, जब भी रोपाई का कार्यक्रम होता है तो महिलाएं सबसे ज़्यादा करती हैं मेहनत, और महिलाएं जैसे करती हैं उनको कभी कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ शोषण हो रहा है महिलाओं का। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग भी इस चीज़ को उठाएं और महिलाओं को जागरूक करें, आप लोग भी एक हाथ है उन लोगों के जी, कि जिससे कि समाज में जो आज हीनता की भावना देखी जा रही है महिलाओं के लिए, वो चीज़ ना आए। जैसा कि मौजूदा सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, उस विषय में आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं कर रही है, बस एक नारा रह गया है सशक्तिकरण का। महिला तो आज भी वही बड़ी है, चाहे वो किसान हुआ चाहे मजदूर हुआ। लोग हमारे मजदूर जो है बड़े बड़े घरों को बनाते हैं, क्या कभी उनका सुख ले पाए? नहीं, सिर्फ उनका सिर्फ कार्य ले करके उनको, और एक ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर है वो, जहाँ ना उनको मजदूरी मिल रही है सही से, ना उनका कोई खान पान का व्यवस्था करते हैं लोग, कुछ नहीं। सरकार